अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग एनरकॉस सिस्टम इंटरनेशनल कराची में मौजूद हैं, जहाँ पे इमरान सफ़र साहब ने एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के होते हैं, जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फील्ड में जाते हैं तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो किस फील्ड में जाएँ और क्या काम करें, और जब जाते हैं तो उनको प्रॉपर तौर पर काम नहीं कर सकते। तो उनको एक ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है कि जो कि स्टूडेंट जब फील्ड में जाए तो उनके लिए आसानी पैदा हो। तो इसी तरह से अभी यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग चल रही थी और हमारे पास एक स्टूडेंट मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि क्या इस ट्रेनिंग ली और इसका क्या बेनिफिट है। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा आप मुझे कि आपने किस चीज़ की ट्रेनिंग ली है और क्या कर रहे हैं, पहले अपना इंट्रोडक्शन लीजिए। ओके, मेरा नाम हारिस शहबाज है और मैं NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हूँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, यहाँ जो है बेसिकली आज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की एक ट्रेनिंग थी, उसमें स्टूडेंट्स को बेसिकली फैमिलियर कराया गया कि एमरकॉन बेसिकली क्या काम कर रही है। देन हमें जो है वो फैमिलियराइज कराया कि इंडस्ट्री में किस तरह PLCs और ऑटोमेशन की एप्लीकेशन हो रही है। तो उसके हिसाब से जो है हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, इस तरह फ़ायदा हुआ कि हम बेसिकली अगर ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह अटेंड करें तो वहाँ पे हमें जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ज़्यादातर, उसमें उनके पास इंडस्ट्रियल नॉलेज होती है ज़रा कम। तो हम अगर किसी इंडस्ट्री के साथ लिंक हो जाएं जो बेसिकली इस तरह की ट्रेनिंग्स लॉन्च करे, तो हमें एक तो इंडस्ट्रियल नॉलेज मिलती है, जो प्रॉपर प्रोजेक्ट्स, पर्पसफुल प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे काम करने का, उनको सीखने का मौका मिल सकता है, फिर ताकि हम जब आगे ग्रेजुएट हो के इंडस्ट्री में जाएँ तो हमें दूसरे स्टूडेंट्स पे जो बिल्कुल इंडस्ट्री से इतने लिंक नहीं होके चले, उनके मुकाबले में थोड़ा एज मिल जाएगा बेसिकली। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री में आप जब जाएंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा? ऑफ कोर्स आई होप कि हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे ही काम कर रहे होंगे, उनको सीख रहे होंगे, उनसे रिलेटेड बातें चल रही होंगी। हम अगर नॉर्मल प्रोजेक्ट्स खुद बनाएं तो वो उसमें बेसिकली एक स्टूडेंट की साइकी होती है कि हम स्टूडेंट्स लेवल के ही प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज होगी, और वहाँ पे जब मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा तो मुझे उनको इतना ट्रेन नहीं करना पड़ेगा जितना उनको एक बिल्कुल ही ऐसे स्टूडेंट को ट्रेन करना पड़े जो बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएट होके आया। तो आई थिंक कि मुझे एज मिलेगा और उसका एडवांटेज मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा आपने कि इस तरह का वर्क हो रहा है, और इस तरह की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियर पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।